समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने मतदान जरूर करें ग्राम सभा में मतदान करने की अपील का संदेश देने के लिए निकले। समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने चुनाव में मतदान करने की अपील अपने मनोहर ढंग से ग्राम सभा के बीच जागरूकता उत्पन्न करते हुए भ्रमण करते रहे। बताते चले, जागरूकता उत्पन्न करते हुए भ्रमण करते रहे, सिस्टम की खामियों से परेशान युवाओं को लोकतंत्र के उत्सव में सक्रिय करने के लिए सिख युवक ने अपनी जिंदगी की कई कीमतें बरस कुर्बान कर दिए। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और लोगों को इसका महत्व बताने की अनूठी मुहिम चलाने वाले सरदार पतविंदर सिंह, जिन्होंने 13 वर्ष की अल्प आयु से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष छेड़ा रखा है। चुनाव यूपी में हो चाहे पंजाब में हो, दिल्ली में हो, मौका मिलते ही मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में अपनी मुहिम से जुड़ जाते हैं। इसकी अनोखे तरीके से अख्तियार करते हैं, कभी गधे पर सवार चढ़कर, कभी बॉडी पेंटिंग कराकर, कभी बूट पॉलिश पर, कभी चरण पादुका हाथों में लेकर बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील करते हैं। सन 1996 से शुरू हुआ पतविंदर का अनोखा प्रयास अब भी जारी है। उन्होंने कभी संगम क्षेत्र में, कभी नामकरण केंद्रों और कभी प्रयागराज की ग्राम सभा में विभिन्न तरीके से लोगों से अपील करते हुए देखा जा सकता है। नैनी इलाके में रहने वाले सरदार पतविंदर सिंह बताते हैं कि राजनीतिक अपराधीकरण दूर तभी होगा जब अच्छे लोग इसमें आएंगे, और अच्छे लोग तभी आएंगे जब युवा अपना मताधिकार का प्रयोग कर जिम्मेदारी से करेगा। इसलिए युवाओं को मतदान में अपना अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। अपना उद्देश्य के तहत पिछले 25 वर्षों से लगातार हर चुनाव में सक्रिय नजर आने वाले पतविंदर सिंह मतदाताओं के बूट पॉलिश कर किए, खून से पत्र लिखकर मार्मिक अपील की, गधे पर बैठकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। इस अभियान के तहत के युवा वायु वृत्त सामाजिक अल्पसंख्यक समाज को जोड़ा। समाज सेवी सरदार पतविंदर सिंह ने हर बरस लगने वाला माघ मेला, अर्धकुंभ सहित 2019 में प्रयागराज में लगे अर्धकुंभ मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं को दिन प्रतिदिन अलग अलग अपने अनूठे आकर्षित मुहिम के द्वारा मतदान की अपील करते रहे। सबसे बड़ी विडंबना यह है, इतना त्याग करने के उपरांत भी किसी सरकार ने इनकी सूद बूद नहीं ली, इस बात का कोई गम नहीं है। बस इन्हें एक ही जुनून सवार है कि मातृभूमि की सेवा इस शरीर से होती रहे। नमस्कार भाई साहब, जैसे कि आप लोग को मालूम ही है, ग्रामीण अंचल में गांव की सरकार का गठन होने जा रहा है, उसमें मंत्रिमंडल का पूरा गठन होना है, जो बीडीसी सदस्य हैं, प्रधान हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, सबका मतदान करना है आप लोग, तो आप गांव की सरकार अच्छी सरकार बनाइए, जो सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी हो, सबसे अच्छा काम करे, जिसका चरित्र अच्छा हो, जो सुख सुख में खड़ा हो सके, ऐसे व्यक्ति को वोट दीजिए, जैसे आपके गाँव का जो सरकार बने, आपका विकास हो सके, दुख तकलीफ आपके दूर हो सके। तो हम लोग सब लोग यही जागरूकता कर रहे हैं कि आप गांव की सरकार अच्छी सरकार बनाइएगा, सर्वश्रेष्ठ सरकार बनाइएगा। धन्यवाद।